नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेट प्रोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों, अब सभी का ओरिजिनल वोटर कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब दोस्तों किसी का भी वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों उस वोटर कार्ड को डाउनलोड करके आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ओरिजिनल वोटर कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप करके बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ओरिजिनल नया पुराना वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है वोटर हेल्पलाइन, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ऐप्स देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों ये ऐप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो दोस्तों ये ऐप्स अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले इस ऐप्स को अपना मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐप्स इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, तो चलिए थोड़ा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। दोस्तों ऐप्स इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों सबसे पहले ऐप्स को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐप्स ओपन होना शुरू हो गया है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर का पेज देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों जैसे आप नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आई एग्री का एक बॉक्स, इस बॉक्स पे टिक आउट कर देना है और दोस्तों ये साइड में देखने के लिए मिल जाता है नेक्स्ट के ऑप्शन, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ऐप्स ओपन हो जाता है और इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है पर्सनल, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है लॉगिन, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट को क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है न्यू यूजर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना है, उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है और उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी को फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना मनपसंद का एक पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। दोस्तों पासवर्ड में कैसे आपको क्रिएट करना होगा, दोस्तों यहाँ पे देखिए उदाहरण बताया गया है, 6 कैरेक्टर में आपको पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। दोस्तों पासवर्ड के यहाँ किस प्रकार से आपको बनाना है तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे देखिए पूरा उदाहरण में यहाँ पे देखिए बता दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ से आपको सही तरीके से समझ लेना है। तो दोस्तों पासवर्ड क्रिएट करने के लिए दोस्तों इस बॉक्स में अपना पासवर्ड को फिलअप करना है, इस बॉक्स में कंफर्म पासवर्ड को फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वैसे दोस्तों आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना, उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आप पासवर्ड को क्रिएट किए हैं इस बॉक्स में पासवर्ड को फिलअप कर देना है, उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों लॉगिन होने के बाद दोस्तों वोटर आईडी कार्ड का पर्सनल डिटेल्स यहां पे देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों अकाउंट क्रिएट करते समय आपसे वोटर आईडी नंबर मांगा जाएगा, तो दोस्तों आपको वोटर आईडी नंबर को फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद दोस्तों जैसे आप लॉगिन होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वोटर आईडी कार्ड का पर्सनल जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना है तो किस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है देखिए ईपीआईसी डाउनलोड। तो दोस्तों वोटर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं होता है तो दोस्तों फिर आपको वेट करना होगा, जब तक आपके वोटर कार्ड में आधार कार्ड लिंक ना हो जाए तब तक आपको दोस्तों वेट करना होगा। और दोस्तों जैसे आपके वोटर कार्ड में आधार कार्ड लिंक हो जाता है तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, दोस्तों ओरिजिनल वोटर कार्ड आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाता है और फिर इस वोटर कार्ड को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करके ट्राई करके देख लेना है कि अगर वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो दोस्तों फिर आप इंतजार कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा।